डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम क्लास 7 का टॉपिक इंटीजर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर आपने नेचुरल नंबर्स देखे होंगे। नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स आर, लास्ट ईयर आपने नेचुरल नंबर्स देखे थे। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर आपने होल नंबर्स भी देखे होंगे। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अब हमें इस साल डिस्कस करना है इंटीजर्स। तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स के लिए मैं आपको एक रियल लाइन बताता हूं, बनाता हूं। इस लाइन को रियल लाइन कहते हैं। आपने स्केल देखी होगी अपनी, स्केल में देखे होंगे नंबर्स। स्केल का सबसे पहले 0, फिर यहाँ पे थोड़ी देर में 1 देखा होगा, फिर आपने कुछ दूर में 2 देखा होगा। इस तरीके की ये स्केल है, इसको रियल लाइन स्केल कहते हैं। रियल लाइन स्केल 3 के बाद क्या आएगा? नेचुरली 4 आएगा, एंड सो ऑन आगे आता जाएगा। अब अगर इसकी पीछे की साइड में जाएंगे तो नया एक अरेंजमेंट चालू हो जाएगा। ये कहलाएगा -1। जितनी डिस्टेंस पे ये है, उतनी डिस्टेंस पे ये है। जितनी डिस्टेंस पे यहां से ये है, उतनी डिस्टेंस पे यहां से ये हो जाएगा -2। पीछे जाएंगे तो -3। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बढ़ने का है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो आप देख सकते हो कि नंबर 0 से बड़ा 1। ये साइन किसका है? ये स्मॉलर देन का। ऐसा पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे 0 स्मॉलर देन 1। देखो ए, इसको पढ़ते हैं ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, और उल्टा पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ेंगे बी ग्रेटर देन ए। बी इज ग्रेटर देन ए। ए लेस देन बी और बी ग्रेटर देन ए, ऐसे समझो आप। जिसकी तरफ मुंह खुला है, जिसकी भी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। तो बी की तरफ मुंह खुला है तो बी बड़ा है, ए की तरफ मुंह बंद है तो ए छोटा है। तो ये ए लेस देन बी। तो इसमें कौन किससे है? 0 लेस देन 1 है, 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 5 एंड सो ऑन, ऐसे इधर है। तो -1 लेस देन 0, ये अरेंजमेंट है। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। -3 इज लेस देन, क्यों? क्योंकि ये साइड बढ़ने की साइड है। ये एक अजम्पशन है कि इस तरफ हम बढ़ने बढ़ने वाली चीजें लेंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको पूछे कि 1 और 2 में छोटा कौन है, तो यू यूज टू से 1 इज स्मॉलर देन 2। यू नेवर से दैट 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इसी तरीके से आपको, क्योंकि ये आपको दिमाग में बिठा दिया गया है, उसी तरीके से आपको ये भी दिमाग में बिठाना है कि माइनस की जो चीजें हैं वो जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही वो छोटी होती है। जैसे -7 और -2 में कौन बड़ा? तो -2 बड़ा। -7 और 0 में कौन बड़ा? तो 0 बड़ा। -3 और -5 में कौन बड़ा? तो -3 बड़ा। क्योंकि माइनस का जितना छोटा होगा, देखो आप इधर देखो, यहां पे कौन आएगा? यहां आएगा -4। -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, तो -4 छोटा होगा -1 से। तो माइनस का जितना बड़ा होगा, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो दूसरा केस एक समझे आप, कि मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आप अगर -4 आए तो आप ऐसा सोचा करो कि इसने लोन लिया। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने लोन लिया। कितने रुपए का लोन लिया? 4 रुपए का लोन लिया। और ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई के पास 1 रुपया है। तो इन दोनों में रिच कौन? तो रिच किस कौन मानेंगे हम? तो रिच उसको मानेंगे जिसकी जेब में 1 रुपया है, या उसको रिच मानेंगे जिसके पास 4 रुपए का लोन है? नहीं, जिसके पास 1 रुपया है, वन हु इज हैविंग 1 रुपी इन हिज पॉकेट, तो ही इज रिचर देन
मिस्टर एक्स, कौन वाई इज रिचर देन एक्स। अगर आपके पास एक माइनस थ्री है और दूसरा माइनस टू है तो कौन रिच है, अब देखो कौन रिच है, तो इनके ऊपर तीन रुपए का लोन है, इनके ऊपर दो रुपए का लोन है। माइनस का मतलब ही आप समझ लो, माइनस मीन्स लोन, माइनस मीन्स लोन, तो आपको बहुत आसानी से दिमाग में घुसने लगेगा माइनस मीन्स लोन। तो इनके पास तीन रुपए का लोन है, इनके पास दो रुपए का लोन है, तो रिच कौन हुआ, जिसके ऊपर कम लोन है, तो ये रिच है, रिच। तो रिच की साइड में मुंह क्या रहेगा, रिच जो है वो बिगर है तो उसकी तरफ में मुंह खुला रहेगा। जीरो लेस देन, जीरो लेस देन माइनस टू, सही है क्या? देखो अभी इनके पास कितना है, जीरो रुपए, इनके पास कितना है लोन है, माइनस टू का लोन है, किसके पास, एक्स के पास। इस समय ये केसेस बदल रहे हैं, कभी ये था कभी ये था कभी ये था, तो अभी एक्स के पास कितना रुपया है, अभी एक्स के पास रुपया है जीरो, मतलब एक्स के पास ना तो है जेब में ना एक्स के ऊपर कोई लोन है। लेकिन वाई के पास क्या है, वाई ने लोन से कुछ खरीद लिया, वाई ने लोन ले लिया, बारो कर लिया, तो वाई के ऊपर लोन बन गया, कितने का, तो वाई जो है कर्जे में आ गए, वाई के ऊपर डेट हो गई। तो इसके लिए वाई क्या है, वाई छोटे हैं, जबकि यहां कैसा निशान लगाए, यहां लगाए कि वाई बड़े हैं, तो ये गलत लगाए, तो इसको हम काट देते हैं। जीरो इज नॉट लेस देन माइनस टू, क्योंकि जीरो तो क्या है, जीरो तो क्या है, ग्रेटर देन माइनस टू है। तो अगर काटना हो तो ऐसे करके काट भी सकते हैं, इसे कहेंगे हम नॉट लेस देन। अब और एक और आगे समझते हैं कि ये नंबर्स ऐड कैसे होते हैं। तो ये नंबर ऐड करने का पोजीशन आपको प्रोसीजर समझाता हूं, प्रोसीजर क्या है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो आप एडिशन समझाता हूं मैं आपको, एडिशन समझने के लिए आप समझो कि आपके पास लोन है तीन रुपए का, आपने दो रुपए चुका दिए, प्लस टू आपकी जेब में, प्लस टू आपके हैं, तीन रुपए का लोन था, आपके पास लोन तीन रुपए का था, प्लस टू आपने चुका दिए, तो कितना होगा आपके पास, अभी लोन बचेगा आपके पास कितने का, एक रुपए का लोन बचेगा। अगर आपके पास ऐसा लिखा होगा माइनस थ्री प्लस माइनस टू, तीन रुपए का ऑलरेडी लोन था आपके पास, दो रुपए का लोन आपने और बढ़ा लिया अपने ऊपर, तब आपके पास लोन कितने रुपए का हो गया, माइनस पांच, यानी लोन पांच रुपए का हो गया। अगर आपके पास लोन है माइनस सात का, आप उसको कुछ भी चुका नहीं पाए, उसको रिपे नहीं किया आपने, तो आपका लोन क्या रहेगा, विल रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो ये एडिशन के तरीके थे, और एडिशन के तरीके हम समझते हैं। आप कोई आप दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना, आप छोटे बच्चे हैं जो देख रहे हैं, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दे आर वेरी यंग स्टूडेंट्स, सो आई रिक्वेस्ट देम वेन एवर यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू राइट मी इन कॉमेंट बॉक्स। आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखें या व्हाट्सअप कर दें, जो भी कुछ करना चाहें आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, तो हम उस ढंग से डील करेंगे। देखिए अगर आपके पास है माइनस टेन, माइनस टेन है, माइनस टेन में आपने जोड़ दिया माइनस टू, तो क्या होगा, तो आप ऐसे सोचो कि दस रुपए का लोन था हमारे ऊपर ऑलरेडी, और दो रुपए का लोन और हो गया हमारे ऊपर, तो लोन हमारे ऊपर बढ़ गया, कितना लोन हो गया हमारे पास, माइनस ट्वेल्व। अब दूसरा देखो, माइनस टेन प्लस टू, अगर हमारे पास ऐसा है तो दस रुपए का लोन था, दो रुपए हमने रीपे कर दिए, चुका दिए, तो अब लोन कितने रुपए का बचेगा आपके पास, माइनस एट का। और देखिए दस रुपए आपके पास थे, दस रुपए आपके पास थे और माइनस टू, यानी दो रुपए का लोन था आपके पास, तो दस रुपए आपके पास और आपके पास ही दो रुपए का लोन है, तो लोन हटाने के बाद आपके पास कितने रुपए हो गए,
आपके पास एट रुपीज हो गए, 8 रुपए हो गए। अगर आपके पास है 10 रुपये और 2 रुपये, तो 10 रुपये आपके पास थे, 2 रुपये और आपके पास आ गए, तो आपके पास कितने रुपीज हो गए? नाउ यू हैव 12 रुपीज, 12 रुपए हो गए। अब आप इसको बिल्कुल आराम से देखो, जरा भी कंफ्यूज नहीं होना। छोटी सी भी बात होगी तो आप मुझको बताइए, आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू। देखो, 10 रुपए का लोन प्लस 2 रुपए का और लोन, एडिशनल लोन, तो लोन हो गया आपके पास 12 रुपए का। ये 10 का पहले से था, 2 का लोन और हो गया, 10 का लोन था, 2 रुपए आपने रीपे कर दिए। कैसे पता चला कि हाउ डिड यू रीपे? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन, ये प्लस साइन से पता चला कि आपने चुका दिए, वो सॉरी आपके पास थे 2 रुपए, आपके पास थे, आपके जेब में थे और आपने उनको दिए, तो आपने उनको दिए तो कितने हो गए आपके ऊपर लोन? 8 रुपए का हो गया। 10 रुपए आपके पास थे, कैसे पता चलता है आपके पास थे? क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन होता है। इफ देयर इज नो साइन इन फर्स्ट टर्म, अगर सबसे पहले में कोई साइन नहीं है, तो दैट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट देम +1, +2, +3, +4 एंड ये दीज आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस अपने को माइनस वाले में केयरफुल रहना है, प्लस वाले में तो कोई केयरफुल रहने की जरूरत नहीं। प्लस वाला तो वैसे ही है जैसे हम पढ़ते थे उसको। बच्चों को एक बात का प्रॉब्लम रहता है कि जीरो में क्या लिख सकते हैं, जीरो कैसा होता है, तो जीरो को प्लस जीरो लिखो, जीरो को माइनस जीरो लिखो, ये ऑल आर सेम, ये सब की सब क्या होंगे? सेम होंगे, प्लस जीरो, माइनस जीरो, जीरो, ऑल आर सेम। अब देखो, आप इसमें सब्ट्रैक्शन सिखाता हूं मैं आपको, लेकिन सब्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप सेल्फ ट्राई करेंगे और मुझे लिख के भेजेंगे। 17 + -15 - 17 + -5 - 13 + 0, ये सारी वैल्यूज आप मुझे लिख के दीजिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप ये लिख के कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम डिफरेंस ऑफ नंबर्स समझते हैं। डिफरेंस, तो डिफरेंस में से क्या होता है, जैसे आपको 17 - 3 लिखा है, तो आप ऐसे लाइन देखते हैं 17 - 0, 1, 2, 3, 4, up to 17, 17 में से 3 कम कर देते हैं, तो 17, 16, 15, एक कम किया ये कम हो गया, दूसरा कम किया ये हो गया, तीसरा कम किया तो कहाँ पहुंच गया आप? 14 में। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 14 के। अब मैं लोन से समझाता हूँ आपको, लोन से आपको एकदम से समझ में आएगा। आपके पास कितने रुपए थे? आपके पास 17 रुपीज थे और 3 रुपए आपने चुका दिए, आपके लोन दे दिया थे, ये माइनस है ना। माइनस का मतलब है चुकाना, रीपे करना भी इसका ही मतलब है, ये आपने लोन रीपे किया 3 रुपए का, तो आपके पास कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। अगर आपके पास है, मान लीजिए कि -17 है और -3 है, आपके पास लोन कितने की थी? -17 की लोन थी और आपने 3 रुपए की और लोन है आपके पास, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? -20 हो जाएगा। देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं छोटा नंबर लेता हूं आपको तो और अच्छे से आएगा आपको समझ में। -1, -2, -3, -4, -5। अभी पहले एक केस अब आप समझते हैं, 4 - 3, 4 में से 3 कम किया तो कहां गए? यहां गए, यहां गए, ये यहां से कम होके 1 आ गया। अब आप 4 - 1 देखो, 4 - 1 क्या होगा? 4 में से 1 कम किया हमने, 4 में से 1 कम किया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास? 3। अब आपने 3 में से 5 कम कर दिया, अब 3 में से 5 कैसे कम करोगे?
तो 3 में से 5 कम करके देखते हैं, 3 में से एक ये कम कर दिया, दूसरा ये कम कर दिया, तीसरा ये कम कर दिया, चौथा ये कम कर दिया और पांचवा ये कम कर दिया, आप कहां पहुंच गए? -2 पे। और आप एग्जांपल से समझो कि 3 रुपए थे आपके पास और आपके पास 5 रुपए का लोन है, तो जब आप अपनी अपनी जो मनी है उसको एक्युमुलेट करोगे, जब उसका हिसाब लगाओगे तो आपके पास नेट कितना आएगा? 3 रुपए आपके पास थे। हाउ डिड यू कम टू नो दैट यू आर हैविंग 3 रुपीज? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। अगर इसमें कोई साइन नहीं है तो कौन सा है? प्लस का है। तो 3 - 5 कितना हो जाएगा? 3 - 5 बिकम्स -2। तो 3 रुपए आपके पास थे, 5 रुपए का लोन था, आपके पास कितने हो गए? आपके पास हो गए 2 रुपए का लोन। आपके पास -3 थे, -5 कर दिए, आपके पास लोन कितने का हो गया? 8 रुपए का। आप -3 में से -5 कम करोगे तो और पीछे नहीं जाएंगे? ये -3 है, एक कम किया तो -4, -5, -6, -7, -8, वहां पीछे चले जाएंगे। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। अब और आगे देखते हैं हम बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर और आपकी बुक का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 7 का इट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 इंटीजर्स। तो अब आगे देखो, अगर आपके पास ऐसा लिखा हो -14 - 0, व्हाट इज -14 - 0? तो -14 कैसा नंबर है? -14 यानी आपके पास 14 रुपीज का लोन है और आपने और कुछ लोन लिया क्या? नहीं, 0 लोन लिया। तो आपके पास लोन कितना रहेगा? उतना की उतना ही रहेगा। इसीलिए -a - 0 का वैल्यू कितना होगा? -a - 0 विल बी -a। कीप दिस इन माइंड, -a कोई भी नंबर हो सकता है। अभी -a क्या है? 14 है। अगर -a कितना होता? 9 होता, तो कितना हो जाता है आपके पास? -9 हो जाता। और इसमें रियल लाइन में अगर देखना चाहते हो तो रियल लाइन में अगर आपको देखो तो -5 - 0 का क्या मतलब हुआ? -5 - 0 का मतलब हुआ कि -5 में से कुछ भी नहीं माइनस करना है। यू नीड टू बी हियर ओनली, आपको यहीं की यहीं रहना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -5 हो जाएगा। और आगे देखो आप, माइनस और आगे समझते हैं हम। माइनस देखो आप, कि आपके पास 7 रुपीज थे, 7 रुपीज में से 3 रुपीज माइनस कर दिया आपने, कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। अगर 3 में से 7 माइनस कर दिए तब कितने हो जाएंगे? तो 3 रुपए आपके पास थे, 7 रुपए का आपने लोन दी चुकाया, तो लोन चुकाने के बाद आपके पास कितने हो गए? 4 रुपए का लोन बचा। लेकिन कभी ऐसा दिया हो तो 3 - -7, 3 - -7, तो 3 - -7 की वैल्यू कितनी होगी? अब अपने को सोचनी है 3 - -7 क्या होगा। तो 3 - -7, तो आपका पास जो लोन था कितने रुपए का लोन था? 7 रुपए का लोन था। 7 रुपए का लोन आपने क्या कर दिया? कम कर दिया, हटा दिया। तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास पॉकेट में पैसे बढ़ गए। 7 रुपए का लोन जब आपने हटा दिया, पूरा की पूरा हटा दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 7 = 10। ये कैसे हो जाएगा? इसको और समझते हैं, ध्यान से सुनो। माइनस ऑफ माइनस, माइनस मींस लोन और माइनस मींस हटाना। आपने लोन को हटा दिया, लोन को चुका दिया, तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स प्लस। ये क्या बन जाता है? ये प्लस बन जाता है। माइनस ऑफ माइनस 3 क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस, माइनस लोन था और माइनस चुका दिया, तो जब लोन चुका दिया तो वो क्या बन गई अपनी? वो प्रॉपर्टी बन गई। माइनस ऑफ माइनस इज प्लस। कीप दिस थिंग इन माइंड, माइनस ऑफ माइनस ए इज व्हाट? माइनस ऑफ माइनस इज प्लस ए। ये सारे बॉक्सेस जो है आप अपने दिमाग में रखना। कीप ऑल दीज बॉक्सेस इन योर डायरी। -a - 0 -a, माइनस ऑफ माइनस ए इज प्लस ए, माइनस ऑफ ए एंड माइनस ए दीज आर सेम। माइनस मींस लोन समझे, और लोन आपने जब चुका दिया तो
तो आप क्या बन गए, आप रिच बन गए। तो माइनस ऑफ माइनस, उतने लोन को आपने जब चुका दिया, अब आप क्या बन गए, अब आप रिच बन गए। तो माइनस ऑफ माइनस ए इज प्लस ए, माइनस ऑफ ए इज माइनस ए, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब और देखते हैं हम, सेवन माइनस फोर, सेवन माइनस फोर इज सेवन, माइनस फोर इज थ्री। सेवन माइनस माइनस फोर इज वॉट, सेवन माइनस माइनस फोर, तो माइनस ऑफ माइनस इज वॉट, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, देन इट बिकम सेवन प्लस फोर। तो फिर आपको मैकेनिकली चलना है, मैकेनिकली, मैकेनिकली मीन्स जैसे मैंने आपको बोला है, फिर आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रोसेस ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बताई है। अब और आगे बढ़ते हैं हम, सेवन ध्यान से देखो, माइनस सेवन माइनस माइनस फोर, माइनस सेवन आपका कितना चुकता हो गया, चार रुपया चुकता हो गया, मतलब आप चार रुपया रिच हो गए। माइनस आप माइनस है, ये चार रुपये रिच हो गए, तो ये कितना बन गया आपके पास, माइनस सेवन प्लस फोर। अब लोन आपके पास कितने का है, सात का, चार रुपये आपने दे दिएंगे, तो अब आपके पास लोन कितने का बचेगा, तीन रुपये का। माइनस ऑफ ए माइनस माइनस बी इज माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस बी। और आगे के केसेस देखते हैं हम, कीप दिस थिंग इन माइंड, आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी बातें मैंने बताई है, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, प्लस। और अगर रियल लाइन में समझना है तो रियल लाइन में ऐसे समझते हैं, जीरो वन टू, माइनस वन माइनस टू, नेगेटिव ऑफ टू, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ टू, सी टू इज अ नंबर, टू इज अ नंबर, टू इज अ नंबर ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड, राइट साइड। ये लोन का तो एग्जाम्पल है मेरा, अदरवाइज आप इसको देखें तो टू इज अ नंबर ऑन राइट साइड, टू राइट साइड में एक नंबर है। एंड माइनस टू इज अ नंबर ऑन, माइनस टू क्या है, माइनस टू इज माइनस ए इज अपोजिट टू, अपोजिट टू प्लस ए, एंड प्लस ए इज अपोजिट टू माइनस ए, ये इसके दोनों अपोजिट है, एंड जीरो सेंटर है, जीरो सेंटर है। तो माइनस टू वो इज व्हाट, माइनस टू देखो इज अ नंबर ऑन राइट साइड, तो माइनस टू कहां होगा, उसका अपोजिट होगा, नंबर ऑन लेफ्ट साइड। अब माइनस ऑफ माइनस टू, इसका भी माइनस कर देंगे तो इसके अपोजिट में चला जाएगा, तो इज अ नंबर ऑन राइट साइड। तो राइट साइड में कौन सा नंबर है वो, तो राइट साइड में वो नंबर ही तो है टू, तो देयरफॉर माइनस ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू टू। अब आप तो ऐसे याद रखो कि भाई मेरे पूरा ही लोन मेरा जो था वो लोन मैंने चुका दिया, तो अब मैं क्या हो गया, मैं रिच हो गया, ऐसा मत सोचो कि मैं जीरो हो गया। माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस ऑफ माइनस को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, कि माइनस ऑफ माइनस कर दिया आपने तो आप रिच हो गए, और रिच होकर के कितने हो गए आपने, आपके पास दो रुपए आ गए। अब आगे देखिए, आप ध्यान से देखो, आपने क्या क्या देखा, एडिशन ऑफ इंटीजर्स देख लिया, फिर देखा आपने सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखा। अब आप देखिए इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, आपने देखा कि टू इंटू थ्री इज टू टाइम्स थ्री,
टू टाइम्स थ्री, टू टाइम्स थ्री, टू टाइम्स थ्री इज कितना, सिक्स, सिक्स। जैसे दो, ये बंडल है, ये तीन यूनिट का बंडल है, एक बंडल है, तीन यूनिट का बंडल है, तीन यूनिट का है, तीन यूनिट के दो बंडल्स, टू बंडल्स, टू बंडल्स, टू बंडल्स ऑफ थ्री यूनिट्स, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, टू बंडल्स ऑफ थ्री यूनिट्स, तो आपके पास सिक्स आइटम्स हो जाएंगे। एक आइटम था, ये दूसरा आइटम था, ये तीसरा आइटम था, तीन यूनिट, तीन आइटम का एक बंडल था। अब आपके पास बंडल कितने हो जाएंगे, सिक्स हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ थ्री, टू टाइम्स ऑफ थ्री, डबल ऑफ थ्री, तो कितना बन जाता है, सिक्स बन जाता है। थ्री इंटू टू क्या हो जाता है, थ्री टाइम्स टू, तो ये भी सिक्स हो जाता है। अब अगर आप ऐसे देखो, टू इंटू माइनस थ्री, किसी के ऊपर लोन कितना था, तीन रुपए का लोन था, उस लोन को हमने डबल कर दिया, तो लोन को अगर हमने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो लोन क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, लोन हो गया ना उसके ऊपर, भाई लोन पहले से रहा ऑलरेडी, लोन को और उसके ऊपर लोन हमने चढ़ा दिया। अब अगर हमारे पास है फोर इंटू माइनस फाइव, तो फोर इंटू माइनस फाइव क्या है, लोन कितने का था, पांच का था, हमने उसका क्या कर दिया, फोर टाइम्स कर दिया। ये लोन वाली बात तो दिमाग में रखने के लिए, दिमाग में चढ़ाने के लिए, इसके लिए फिर आपके पास लास्ट में एक आइडिया आएगा, आप उससे काम करेंगे। सेवन इंटू माइनस टू कितना होगा, सेवन इंटू माइनस टू कितना होगा, सेवन टू इंटू माइनस टू क्या होगा, सेवन इंटू माइनस टू हो जाएगा आपका माइनस फोर्टीन। अब आप ध्यान से सुनो, कि अगर आपके पास ऐसा हो, माइनस ऑफ माइनस फोर इंटू माइनस टू ऐसा लिखा हो, तो फिर इसको कैसा लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो माइनस माइनस, पहले माइनस को बाहर रख लो आप, और फोर टाइम्स माइनस टू कितना होगा, फोर ऑफ माइनस टू कितना होगा, फोर ऑफ माइनस टू हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट। कैसे, लोन कितना था अपने पास, दो रुपए का, दो रुपए का डबल लोन को फोर टाइम्स कर दिया, तो लोन कितने का हो गया, एट टाइम्स का हो गया। अब जब हमारा माइनस ऑफ माइनस हो गया, लोन हमारा खत्म हो गया, लोन हमारा उतर गया, लोन हमारा खत्म हो गया, तो लोन था खत्म हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस इज व्हाट, ये देखो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये क्या बन जाता है, ये प्लस बन जाता है। इसलिए इसको ऐसे भी याद रखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे याद रखते हैं, माइनस ए इंटू माइनस बी इज, इसी तरीके से क्या होगा, जैसे ये था, ये क्या बन गया प्लस, तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी। इसमें क्या था खास, इसमें था ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, कीप इन दिस वे इन माइंड, इस तरीके से आप अपने दिमाग में चढ़ा लीजिएगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जो लास्ट ईयर भी आपने पढ़ी होंगी, उन प्रॉपर्टीज को भी आगे देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज व्हाट, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी भी एक इंटीजर होगा, ए माइनस बी भी एक इंटीजर होगा, ए इंटू बी भी एक इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो फिर इसका मतलब है इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे कि a अपॉन बी, a डिवाइडेड बाय b, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, ये नंबर्स जो हैं, दीज काइंड ऑफ नंबर्स, a बाय b, ये जो नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स नहीं हैं, आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है। तो इसका मतलब है इट मींस कि
कि डिवीजन डज नॉट